अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की जयंती पर सानपाड़ा में क्रीड़ा महोत्सव, शिवसेना उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव का आयोजन। सानपाड़ा सेक्टर 8 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की जयंती पर सानपाड़ा सिडको वसाहत क्रीड़ा महोत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 23 जनवरी को शिवसेना उपनेता विजय नाहटा के हाथों किया जाएगा, जिसमें बच्चे, नौजवान तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैरम, चित्रकला, निबंध, फुटबॉल तथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। शिवसेना उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव और शिवांगी महिला मंडल की अध्यक्षा शुभांगी मिलिंद सूर्यराव ने नवी मुंबई के सभी नागरिकों को उत्सव में शामिल होकर उसका लाभ उठाने का आह्वान किया है। बच्चों के लिए कैरम टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट रखा है, बच्चे भी सहभागी हो सकते हैं, बड़े लोग भी सहभागी हो सकते हैं। कैरम टूर्नामेंट रखा है, चेस का टूर्नामेंट रखा है, ड्राइंग्स कंपटीशन रखा है, एसे राइटिंग कंपटीशन रखा है। परसों चेस का फाइनल और सेमीफाइनल टूर्नामेंट है, बच्चों के लिए रनिंग रेस रखा है। और 25 तारीख को फुटबॉल स्पर्धा रखा है, स्पीच टूर्नामेंट रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा ओपन लोग वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। हम यही चाहते हैं कि आज जो लोग मोबाइल में, टीवी में घर पे बैठे रहते हैं, उनको हमें बाहर निकालना है। हमारे खेल, अलग अलग तरीके के खेल खेलने के लिए हम लोग उनके आह्वान किया था, वो आह्वान को स्वीकार करते हुए सानपाड़ा के बहुत सारे नागरिक उसमें शामिल होने वाले हैं। 23 जानेवारी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती असते, त्यामुळे सानपाड्यामध्ये विविध कार्यक्रम सानपाडा शाखा 76 वतीने आणि शिवाई महिला मंडळाच्या वतीने मुलांसाठी आणि लहान मुलांसाठी आणि मोठ्या मुलांसाठी विविध प्रकारच्या स्पर्धा आयोजन केलेलं आहे। त्यातली एक बुद्धिबळ स्पर्धा, कॅरम स्पर्धा आणि चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा अशा विविध स्पर्धांचे मैदानी खेळ त्यामध्ये पण ठेवलेला आहे, फुटबॉलची स्पर्धा ठेवलेली आहे। तरी सानपाड्यातील बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी त्याच्यात नावं नोंदवलेली आहेत आणि ती स्पर्धा 23, 24 आणि 25 अशा 3 दिवसात विभागलेली आहे। सानपाड्यातील सर्व पाल्यांनी आपल्या मुलांना या स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी उत्स्फूर्त करावे आणि त्यांना स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी पाठवावे अशी मी सानपाड्यातील सर्वांना विनंती करते। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।